हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि JLPT एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएं और आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी उसके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ JLPT के एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसको पासिंग मार्क्स क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी और मैंने अपने टाइम पे कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और कुछ ऐसी एप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और मैं उन एप्स को, मतलब 5-6 इयर्स मुझे हो गए हैं, वो ही एप्स हैं मेरे फोन में, उनके अलावा मुझे अभी तक और किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हाजी बेबाशो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि JLPT के जो ये 5 लेवल्स हैं, ये 5 लेवल्स के अलग अलग एग्जाम पैटर्न हैं और पासिंग मार्क्स भी अलग अलग हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है कि इतने टाइम में आपको करना होता है वो भी अलग है। तो आज की जो वीडियो है वो JLPT N5 के ऊपर फोकस्ड रहेगी। बिगिनर्स लेवल के लिए मैं आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस करूंगी। तो JLPT N5 में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है वोकैबुलरी का, जिसे जापानीज में मोजी गोई बोलते हैं। तो गोई का सेक्शन होता है, वो 25 मिनट्स का होता है और उसमें आपकी कांजी की नॉलेज चेक होती है, वर्ड्स की नॉलेज चेक होती है कि एक वर्ड लिखा है, 4 सेंटेंसेस हैं, वो 4 सेंटेंसेस में कहाँ पे फिट बैठता है उसके बारे में आपकी नॉलेज चेक होती है। तो बेसिकली ये शब्दों के बारे में सेक्शन है, आपकी वोकैबुलरी चेक होगी और इसमें कांजी चेक होगी। सेकेंड सेक्शन आता है ग्रामर एंड रीडिंग का, ये सेक्शन 50 मिनट्स का होता है और बुम्पो बोलते हैं ग्रामर को, तो बुम्पो का सेक्शन होता है और दोकाई बोलते हैं रीडिंग को, तो बुम्पो और दोकाई दोनों साथ में होती हैं। जैसे कि आधे पार्ट में ग्रामर के सेंटेंसेस होंगे, आपको ग्रामर के आंसर्स करने होंगे और आधे पार्ट में रीडिंग होगी, मतलब एसेज दिए होंगे, उन एसेज को फटाफट आपको पढ़ के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से करेक्ट चूज करना है। तो JLPT का जो पेपर है वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो आपको रिटन कोई टेस्ट नहीं है उसमें, तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सिलेक्ट ही करना है। और लास्ट सेक्शन होता है लिसनिंग का, जिसे जापानीज में बोलते हैं चोकाई, और ये 30 मिनट्स का होता है। लिसनिंग में आपको पता ही है कि आपके लिए वहां पे एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी और आपको वो सुननी है ध्यान से, और 4 ऑप्शंस आपके पेपर में लिखे होंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो 3 सेक्शन हैं, तो हर एक सेक्शन 60 मार्क्स का होता है, 60, 60, 60, तो टोटल टेस्ट आपका ये 180 मार्क्स का होता है। और आपको इंडिविजुअल सेक्शन में भी पासिंग मार्क्स चाहिए और ओवरऑल भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो JLPT N5 के लिए हर सेक्शन में आपके 60 में से 19 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए पास करने के लिए, यानी 19, 19, 19, और टोटल 180 में से आपके टोटल 80 मार्क्स होने चाहिए JLPT N5 को क्लियर करने के लिए। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, N5 और N4 जो है वो एलिमेंट्री लेवल्स हैं आपके, मतलब बेसिक आप सीखते हो कि बेसिक वर्ड्स हो गए आपके आसपास के और थोड़ी बहुत आप सेंटेंस बना सको, बात कर सको, वो होता है। तो N5 N4 की जब आप पढ़ाई करते हो तो काफी इंटरेस्टिंग और ईजी भी लगती है और आपका ईजिली निकल भी जाता है JLPT, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। N4 से N3 जब आप जंप करते हो तो वो बहुत गैप है उसमें, मतलब N3 बहुत एकदम से टफ हो जाता है और N2 उसके बाद और एकदम से टफ हो जाता है और N1 बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो अभी ये N5 की मैं बात कर रही हूँ, तो N5 में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो बुक्स भी हैं वो भी N3 लेवल के बाद से चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, अलग थोड़ी और मुश्किल बुक्स यूज करते हैं। तो मैं आपको N5 की बुक्स के बारे में भी बताती हूँ कि मैंने कौन सी यूज की थी। कांजी के लिए मैंने यूज की थी निहोंगो चैलेंज, पर जो लास्ट वीडियो मैंने कांजी की पार्ट 2 बनाई थी उसमें मैंने आपको N5 N4 की सारी कांजीज वाली बुक दे दी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, मुझे वो बुक भी काफी अच्छी लगी। उसके बाद वोकैबुलरी और ग्रामर को इकट्ठे साथ में एज अ सेट पढ़ा जाता है, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बुक है जो शायद आप सबने ही सुनी होगी अगर आप जापानीज पढ़ रहे हैं, तो मिन्ना नो निहोंगो एलिमेंट्री लेवल के लिए काफी अच्छी बुक है और सब उसी से पढ़ते हैं जहां तक मुझे लगता है, तो आप वो खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक और काफी अच्छी बुक यूज कर रही हूँ, तोबिरा यहाँ पर है मेरे पास, तो आप लोगों के लिए मैं उसमें से कंटेंट देखती हूँ। पर अगर आप चाहें कि हम इंडिया में वो खरीद लें तो इंडिया में इट्स वेरी कॉस्टली, अराउंड 6-7 थाउजेंड रुपीज की वो बुक है,
तो आपको मुझे नहीं लगता वो खरीदने की जरूरत है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो मटेरियल है वो उस बुक में से खुद ही बना के देती हूँ, तो आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रीडिंग। रीडिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, फटाफट आप कैसे पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं बताऊँ, अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है हर चीज के लिए। उसमें आप कांजी की भी पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि कांजी आएगी बीच बीच में, उसके उसी में आप वोकैबुलरी की भी पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि शब्द भी आएंगे उसमें, वोकैब आएगी, और ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो ही जाती है, क्योंकि आपको पता चलेगा अच्छा इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है, तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आने लग जाएंगे। तो रीडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पर शौक लगेगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना कम टाइम आपको वहां पर लगेगा। तो रीडिंग के लिए काफी अच्छी बुक है सोमा तोमे, वो आप यूज कर सकते हो। और फाइनली लिसनिंग के लिए यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारा N5 का मटेरियल पड़ा हुआ है। बाकी मेरा प्लान ये है कि जैसे थोड़ी सी वोकैबुलरी और ग्रामर के वीडियोस और डल जाए मेरे चैनल पे, आप थोड़ा सा फेमिलियर होने लग जाए जो लोग भी बिगिनर लेवल पे हैं, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि लिसनिंग की भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ, ताकि आप मेरे चैनल से प्रैक्टिस कर सकें। अभी एकदम से लिसनिंग की प्रैक्टिस करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर आपको एकदम कोई जापानीज बोलना शुरू कर दे तो समझ भी आएगी भी नहीं। तो ये कुछ बुक्स मैंने रेफर की थी, और N3 के बाद से तो ऑब्वियसली दूसरी बुक्स मैंने शुरू कर दी थी जहां तक मुझे याद है। N5 और N4 के लिए मैंने ऑलमोस्ट यही वाली बुक्स रखी थी अपने पढ़ने के लिए, पर मेरी जो बेस्ट बुक है, मतलब कि जो अभी N1 तक मैं यूज कर रही हूँ, जो मैंने आपको रीडिंग के लिए बुक बताई, उसका पूरा सेट आता है। मतलब उसकी रीडिंग की भी बुक आती है, वो कैब की भी आती है। एक्चुअली ये जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं सभी के पूरे पूरे सेट आते हैं, रीडिंग, कांजी, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड लिसनिंग की सीडीज भी आती हैं किसी किसी के साथ। तो मिन्ना नो निहोंगो के भी सारे पूरी सेट आता है, और सोमा तोमे का भी पूरा सेट आता है। पर पूरे सेट से भी आप पढ़ सकते हो, पर जो मैंने बुक्स बताई वो ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए एक किसी और ब्रांड की उठा ली, एक किसी और ब्रांड की उठा ली। तो ये काफी अच्छी बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई, पर एक जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है जो मैं N1 तक रेफर कर रही हूँ, वो है ये बुक, दैट इज सोमा तोमे, जो मैंने आपको रीडिंग के लिए भी बताई N5 में। इसके सारे सेट्स आते हैं, कांजी भी आती है और ग्रामर भी आती है, सब कुछ आता है। तो मैं यही पसंद करती हूँ स्पेशली कांजी और वोकैबुलरी के लिए, क्योंकि यही दो पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते, ज्यादा बहुत इजीली याद नहीं होती हैं। ग्रामर के लिए तो काफी बुक्स हैं ही, और लिसनिंग का आपको जैसे मैंने बताया अभी, पर वोकैबुलरी और कांजी के लिए मुझे ये बुक बहुत ही इंटरैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं सब चीजों के लिए, बट मिन्ना नो निहोंगो जो है वो वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए N5 के लिए स्पेशली काफी अच्छी बुक है। आप चाहें तो Amazon से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना खरीदूं तो इट्स ओके। मैं अपने चैनल पे जैसे जैसे वोकैब और ग्रामर डालूंगी, तो उसके साथ साथ मैं अब सोच रही हूँ कि नोट्स भी डाल दिया करूं, ताकि आप फ्री में पढ़ सकें। और जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पर, वो भी जैसे मैंने बताया काफी कॉस्टली है इंडिया में, तो आप नहीं भी खरीदेंगे तो इट्स ओके। अब मैं आपको दो मेरी फेवरेट एप्स बताती हूँ जो मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, और मुझे अपना दिमाग और अपना फोन की मेमोरी दोनों ही भरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी, पर कितनी डाउनलोड करोगे, कितना भार आपका फोन झेलेगा और आपका दिमाग झेलेगा। तो इसलिए मैं आपको दो एप्स बता देती हूँ जो मैं इतने सालों से यूज कर रही हूँ, मुझे उन दो एप्स के अलावा किसी और ऐप की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और एक थर्ड ऐप भी है, वो आप सब जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर। तो वो मैं कब यूज करती हूँ वो भी बताऊंगी, और ये जो दो एप्स हैं ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि अच्छी हैं उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये जो वीडियो है मैं अपने फोन पे शूट कर रही हूँ, तो फोन पे ही मुझे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। तो मैं वीडियो अपनी लैपटॉप पे करती हूँ, मेरे पास और कोई डिवाइस नहीं है, तो मैं ये वीडियो थोड़ी लैपटॉप पे चेंज करती हूँ। आई एम बैक। तो मैं आपको एप्स दिखा रही थी कि मैं कौन सी यूज करती हूँ। दो एप्स जो मैं आपको बता रही थी गूगल ट्रांसलेटर के अलावा, वो एक तो ये ऐप है, आप देख पा रहे होंगे, ताकोबोतो ऐप को आप खोलते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी वर्ड जो भी आपने कभी सुना या बुक्स में पढ़ा या देखा, तो कभी भी समझ ना आए यहाँ पर टाइप करो, इसका आपको ये मीनिंग बताती है ऐप, और साथ में कुछ एग्जाम्पल फ्रेजेस भी देती है, मतलब सेंटेंसेस भी देती है, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो या जापनीज में भी लिख सकते हो। तो जैसे
कोई भी वर्ड जो भी आपने पढ़ लिया है, मानो मान लिया सेंसे आपने पढ़ लिया है वर्ड, तो सेंसे लिखते हैं हम, तो इंग्लिश में ही लिखा है मैंने, जापनीज में भी लिख सकते हो आप। तो इसको आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो सेंसे आ जाता है, और यहाँ पर कांजी भी आ जाती है इसकी, और इसके बाद इसके फ्रेजेस भी आ जाते हैं, सेंटेंसेस हैं वो भी आ जाते हैं। और इसकी एक अच्छी बात और है कि आप इंग्लिश में अगर कोई वर्ड लिखते हो तो उसकी जापनीज भी, मतलब उल्टा भी बताता है, तो दोनों वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश से जापानी जानने के लिए और जापानी से इंग्लिश जानने के लिए। और इसमें फ्रेजेस भी हैं, सेंटेंसेस हैं, तो ये मुझे बेस्ट लगती है इसलिए। दूसरी ऐप मैं क्यों यूज़ करती हूँ, जेशो ऐप आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जेशो के नाम से है ये, कुछ ऐसा आइकन है इसका। तो अगर आप इस ऐप को खोलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपने वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, बट मैं इस ऐप को इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ कांजी के लिए, कांजी के स्ट्रोक ऑर्डर देखने के लिए। और जो लोग भी हिरागाना काताकाना पढ़ रहे हैं वो कहते हैं हम भूल जाते हैं, तो एकदम से इस ऐप को खोला, बिल्कुल राइट साइड पे आपको थ्री डॉट्स दिख रही होंगी, थ्री डॉट्स को क्लिक किया और यहाँ पे काना टेबल आपको दिख रहा होगा, काना टेबल पे आप क्लिक करके एकदम से देख सकते हैं पूरी हीरागाना यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आप कभी भूल जाएं एकदम से यहाँ पे आप देख लो, अच्छा ये ऐसे बनती है। सबसे अच्छी बात कांजी के लिए जैसे मैंने बताया, या कैरेक्टर्स बनाने के लिए बेसिकली बताया, तो उस कैरेक्टर पे अगर आप क्लिक करते हो, मान लो ई पे मैं क्लिक करती हूँ, तो ये बना के दिखाता है कि ऐसे और ऐसे दो स्ट्रोक्स में बना ये। तो ये तो हुआ हीरागाना के लिए। और बिल्कुल राइट में आपको दो ये बॉक्सेस से दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो काताकाना की पूरी ऐसे ही आ जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे हीरागाना आ जाएगी। ये तो हीरागाना और काताकाना की बात हुई, बैक जाती हूँ मैं, यहाँ पे आपको कांजी भी दिख जाएगी, मतलब कांजी का भी इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो। जैसे फिर से मैं सेंसे की कांजी जैसे मैंने टाइप किया और सर्च जैसे दबाया, तो सेंसे की कांजी पे, सेंग की कांजी कैसे बनी हुई है, इस पे सेंग की कांजी पे क्लिक करोगे तो ये स्ट्रोक बताएगा, अच्छा ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रोक बनने हैं। ये दो एप्स जो हो गई ये एनफ हैं, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो ताकोबोतो पे जाओ, उसका फ्रेज देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको कांजी के लिए हेल्प चाहिए कि कैसे बनी हुई है स्ट्रोक ऑर्डर के लिए, तो मैं जिशो यूज़ करती हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और हीरागाना काताकाना के लिए भी मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी है। तो गूगल ट्रांसलेटर को मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई कांजी दिख जाए पर मुझे उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो मुझे उसका मतलब कैसे पता चलेगा। यहाँ पर हैंड राइटिंग का ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेटर में, यहाँ पे आप कांजी बना सकते हो, जैसे कि ये कांजी मैंने बनाई, तो ये वाली कांजी है सेन, और से ये अपने रिजल्ट्स भी देता है। तो इसलिए अगर आपको कांजी कहीं पे लिखी हुई दिख गई है पर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप ये हैंड राइटिंग पे जाके खुद कांजी ड्रॉ कर सकते हैं और वो आपको उसका मतलब और साथ में उसको कैसे पढ़ते हैं वो बता देता है। दूसरी चीज़ गूगल ट्रांसलेटर की अच्छी है कि आपको बहुत बड़ा एसे या टेक्स्ट मिला है तो वो सारा आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, सारा का सारा जो भी है, ये मैंने पहले से किया हुआ है और ये भी आपको पूरा दिखाई देता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप यूज़ कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर मेनली ये दो ऐप्स मैं आपको बताना चाहती थी जो कि मुझे काफ़ी पसंद हैं, और मुझे इन ऐप्स के अलावा अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है किसी और ऐप की। तो आज की वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी शेयर करने की कोशिश की है, और आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, और यूज़फुल लगी है आपको तो ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे और वीडियोस बनाने के लिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।